मैं दिखाती हूँ कौन मुझे यहाँ पर मिला है। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। जरूर सब्सक्राइब करें। कर लिया अपना सैलेड फुल, वेरी चिकन है। यहाँ पे इतना रश है कि अगर आपको बात भी करनी है तो वो जरा ऊंचा बोलना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं मसाला वाइज, मेरे पीछे शोर तो सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। मैं आई हूँ आज 14th Street पिज़्ज़ा कराची का, जो कि बहुत ही मशहूर और मज़ेदार पिज़्ज़ा है, और मेरा एक्सपीरियंस होगा यहाँ का फर्स्ट टाइम का। तो मैंने अभी ऑर्डर किया है, ठीक है, जब ऑर्डर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये लाइव पिज़्ज़ा बना के दे रहे हैं और बहुत ही रश है, बहुत ही शोर है यहाँ पर। जिस टाइम नाला हो रहे थे इनका पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का है। तो अभी जब मैं मंगवाती हूँ अपना ऑर्डर तो फिर मैं दिखाऊंगी कि क्या सीन है। जा रही हूँ अपना सैलड लेने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको सैलड का लुक दिखाती हूँ और मैं दिखाती हूँ कौन मुझे यहाँ पर मिला है। इस पर मुझे मिल गए ये यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, कितने मिली हूँ यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। थैंक यू सो मच। लोगों को प्लीज़ आप बताइए कि मसाला वाले को मसाला वाइज को जरूर सब्सक्राइब करें। सर मैं आपको बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और सॉरी आपको यहाँ पर खाने के बीच में कैरी ऑन कर रहा हूँ अपना खाना। थैंक यू। अच्छा जी, आपने देखा कि मैं अपने कितने ही ज़बरदस्त पर्सन से आज मिली हूँ, इसलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना सैलड। ठीक है, ये है भाई सैलड यहाँ का, जो कि बहुत ही आउट क्लास लग रहा है मुझे। तो अब मैं ये सैलड हम बना रहे हैं, ठीक है। चलो जी, ये बहुत ही देखे माहिराना तरीके से सैलड बनाना पड़ता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट हो ना वो ही ये काम करे तो ही मज़ा आता है। कर लिया अपना सैलड फुल, जो कि बहुत ही मज़ेदार किस्म का सीन लग रहा है मुझे ये, क्योंकि हम 5 लोग हैं। तो ये सैलड, इस पर अभी सॉस और डालनी है, अभी डालो सैलड। सॉस 1000 अभी इस पर, ये चेक करें आप, ये गई इस पर सॉस। एक बार अमेजिंग सीन लग रहा है ये तो, आउट क्लास सीन है भाई। ये चेक कर सकते हैं भाई, सैलेड आउट क्लास है भाई। फुल लोडेड लोडेड सैलेड है और बस भाई ये मैं खाने वाली हूँ। मैं चेक करती हूँ कैसा बना है सैलड यार। इसको इसके चैनल का नाम लगा मसाला वाइब्स, अब लोग सब्सक्राइब करेंगे। बहुत ही मज़े का सैलड था और इसमें मुझे पता क्या याद आ गया, पिज़्ज़ा हट का टाइम याद आ गया कि जब पिज़्ज़ा हट का सैलड इतना फ्रेश हुआ करता था, बिल्कुल वैसे ही इतना ही फ्रेश और बहुत ही आउट क्लास सैलड था, मज़ा आ। ऑर्डर आ चुका है और आपको दिखाती हूँ ये क्या सीन है भाई। ओ पेपरोनी फ्लेवर है और दूसरा फेरी चिकन है, या आप इसके अंदर चीज देख सकते हैं। ओए 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 ओए, साथ हमें एक्स्ट्रा सॉसेस भी मिले हैं। चीज फुल इसके चेक करें और आउट क्लास सीन है ये, चेक करें, अमेजिंग सीन है भाई, अमेजिंग सीन है भाई। ये बहुत ही गर्म और बहुत ही मज़ेदार सीन लग रहा है इसको। मैं सबसे पहला बाइट तो मैंने ऐसे ही खाना है। ये बहुत मज़े का होता है। हम यहाँ से बताऊँगा।
बहुत मज़ेदार सीन है। पेपरोनी वाला तो मैं पूरा एक पीस खा चुकी हूँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बैलेंस फ्लेवर था, बिल्कुल स्पाइसी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल फ्लेवर था। और अब मैंने जरा थोड़ा सा स्पाइसी वाला एंड में जो है वो लिया है, जो कि मैंने थोड़ा सा लिया है क्योंकि मुझे, मैं अब इतना नहीं खा सकती, इसमें से भी बहुत कम खाऊंगी, तो अब मैं इसे ट्राई करती हूँ, देखते हैं इसका क्या सीन बनता है। बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, एक पीस ही बड़ी मुश्किल से खाया गया और हम लोग 5 लोग थे, ठीक है, लेकिन आराम से ये 6 to 7 लोगों की सर्विंग है, क्योंकि मैं बहुत सारा बचा के घर लेके जा रही हूँ, घर पे अम्मी हैं वो खा लेंगी जाहिर है, और जो है वो अगर मैं इस पिज़्ज़ा को रेट करूँ तो 8 out of 10 इसको मैं रेट करूँगी, ये बहुत अच्छा और सॉफ्ट मज़ेदार पिज़्ज़ा था। और अगर यहाँ की एनवायरनमेंट को करूँ तो पिज़्ज़ा प्लेस है ये, और यहाँ पे इतना रश है कि अगर आपको बात भी करनी है तो वो ज़रा ऊँचा बोलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसीलिए व्लॉग में भी शायद काफ़ी शोर आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर रश बहुत है। मैं आपको सिचुएशन दिखा देती हूँ, देखा आप लोगों ने भी यहाँ पे कितना रश है, वो ऑब्वियसली टेस्ट दे रहे हैं और क्वांटिटी भी अच्छी है, तो रश तो होगा ऐसी जगह पर। बाकी ये कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।